बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक्स पावर 10 माइनस एक्स पावर 6, डिनोमिनेटर में एक्स पावर 6 माइनस एक्स पावर 4 इज इक्वल टू 20। इस इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स की वैल्यू को फाइंड करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स पावर 10 नहीं, इनको लिख देंगे एक्स पावर 6 मल्टीप्लाई एक्स पावर 4 माइनस एक्स पावर 6 को अपनी जगह लिख देंगे। नीचे डिनोमिनेटर में एक्स पावर 6 को लिख देंगे एक्स पावर 4 मल्टीप्लाई एक्स पावर 2 माइनस एक्स पावर 4 इज इक्वल टू 20। इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों से एक्स पावर 6 को कॉमन ले लेंगे। यहाँ आ जाएगा एक्स पावर 4 माइनस 1। नीचे डिनोमिनेटर में इन दोनों से एक्स पावर 4 को कॉमन ले लेंगे। यहाँ ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स पावर 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 20। इसके बाद क्या करेंगे, ये एक्स पावर 6 नहीं, इनको लिख देंगे एक्स पावर 4 मल्टीप्लाई एक्स पावर 2। ब्रैकेट में एक्स पावर 4 को लिख देंगे एक्स स्क्वेयर होल स्क्वेयर माइनस 1। नीचे डिनोमिनेटर में एक्स पावर 4 ब्रैकेट में एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल टू 20। इसके बाद क्या करेंगे, एक्स पावर 4 और एक्स पावर 4 कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ 1 के ऊपर कोई 4 नहीं, यहाँ 2 लिख देंगे। फिर इनके लिए फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, वो कौन सा है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इनको इस तरह लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वेयर ब्रैकेट में एक्स स्क्वेयर प्लस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वेयर माइनस 1। नीचे डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल टू 20। फिर क्या करेंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस 1 ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ जाएगा एक्स स्क्वेयर ब्रैकेट में एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू 20। फिर क्या करेंगे, एक्स स्क्वेयर को इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ जाएगा एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वेयर 20 को इस साइड पर लाएंगे, माइनस 20 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। इसके बाद क्या करेंगे, एक्स पावर 4 को लिख देंगे एक्स स्क्वेयर होल स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 20 इज इक्वल टू 0। इसके बाद क्या करेंगे, लेट ले लेंगे एक्स स्क्वेयर को किसके बराबर, ए के बराबर। तो यहाँ इनकी जगह आ जाएगा ए स्क्वेयर प्लस ए माइनस 20 इज इक्वल टू 0। इसके बाद क्या करेंगे, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये ना, तो यहाँ ये ए नहीं है, प्लस ए इनको लिख देंगे इस तरह, इनको लिख देंगे प्लस 5 ए माइनस 4 ए, इनसे दोबारा ए आता है ना। फिर क्या करेंगे, इन दोनों से ए को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ ब्रैकेट में ए प्लस 5 आ जाएगा, यहाँ इन दोनों से माइनस 4 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ ब्रैकेट में ए प्लस 5 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। इसके बाद क्या करेंगे, ए प्लस 5 ये दोनों में सेम है ना, ये वाला और ये वाला, तो यहाँ एक ब्रैकेट में इनको लिख देंगे, दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे ए माइनस 4 को इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, एक आ गया ए प्लस 5 इज इक्वल टू 0, जबकि दूसरा आ गया ए माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसके बाद क्या करेंगे, ए प्लस 5 नहीं, इनको इस साइड पर लाएंगे। तो यहाँ आ जाएगा ए इज़ इक्वल टू माइनस 5
और यहाँ माइनस फोर को इस साइड पर लाएँ तो यहाँ जाएगा ए इज इक्वल टू फोर। इसके बाद क्या करेंगे, ए को हमने किसके बराबर लिया था, इन को हमने एक्स स्क्वायर के बराबर, तो यहाँ ए की जगह एक्स स्क्वायर लिख देंगे, इधर भी ए की जगह एक्स स्क्वायर लिख देंगे इज इक्वल टू फोर। इसके बाद क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं आती ना, तो ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ इनको सॉल्व करते हैं, यहाँ एक्स स्क्वायर फोर को लिख देंगे, इस फोर को टू स्क्वायर। इसके बाद क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, इस तरफ भी और इस तरफ भी स्क्वायर रूट ले लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ एक्स की वैल्यू आ जाएगी एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस टू। यह हमारे पास एक्स की दो वैल्यू आ गई, एक आ गया टू, दूसरा आ गया माइनस टू। इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया।